प्रेजेंट सर। हेलो चैंपियंस, इससे पहले हम लोग आ की मात्रा वाला शब्द वाक्य पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ई की मात्रा वाले। ई की मात्रा कैसे जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ई की मात्रा होता क्या है, वो किस तरह का होता है और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इस ये जो मात्रा होती है ऐसे होती है, ये इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ई की मात्रा। और ये जब भी लगता है तो व्यंजन वर्ण के पहले लगाया जाता है। फिर से सुन लो एक बार, ये जब भी लगाया जाता है, इस मात्रा का जब भी यूज किया जाता है तो पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ट और ट से पहले लगाया हुआ है ई की मात्रा। अब जब भी इसको पढ़ा जाता है तो इसमें जो ध्वनि आता है वो ई का आता है। जैसे आप लोग सुने होंगे की, सी, पी, टी, ऐसे ही हम लोग आज वर्णों में मात्रा को जोड़ करके कैसे उच्चारण किया जाता है, ये जो वर्ण दिया हुआ है इस वर्ण में मात्रा को जोड़ना है और जोड़ करके कैसे इसको पढ़ा जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस कैसे इसको उच्चारण किया जाता है। तो पहला क्या है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, क, क में छोटी ई की मात्रा की। लिखने के बाद पता चल जाएगा कि लिखते कैसे है इसको, क और क में छोटी ई की मात्रा की। वैसे ही अगला देख लेते हैं, च, च में छोटी ई की मात्रा ची, क्या होगा ची। ट में छोटी ई की मात्रा टी, क्या लिखेंगे टी। अगला क्या है, त में छोटी ई की मात्रा ती, चलिए अगला देख लेते हैं, प में छोटी ई की मात्रा पी, चलिए इधर देखते हैं फिर से, ख और ख में ये हम मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये खी। ख में छोटी ई की मात्रा क्या बनेगा, खी। अगला चेक करते हैं, छ और छ में छोटी ई की मात्रा छी। अगला चेक करते हैं, ठ और ठ में मात्रा पहले लगाने के लिए, पहले इससे पहले भी मैं बताई हूँ कि मात्रा जब भी ये छोटी की मात्रा लगता है वो पहले लगाया जाता है, व्यंजन वर्ण के पहले लगता है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। और इसको पढ़ेंगे क्या, तो ठ में छोटी ई की मात्रा थी। अगला क्या है, थ और थ में छोटी ई की मात्रा क्या बनेगा, थी। अगला क्या है, ह और फ में छोटी ई की मात्रा थी, ऐसे। अगला क्या है, ग में छोटी ई की मात्रा गी, अगला क्या है, ज, ज में छोटी की मात्रा जी, अगला क्या है, ड में छोटी की मात्रा क्या पढ़ेंगे, डी, क्या होगा डी। अगला क्या होगा, द
अगला क्या है? ब, ब में छोटी की मात्रा बी, क्या पढ़ेंगे? बी। चलिए आगे देखते हैं कैसे उच्चारण किया जाएगा। घ में छोटी की मात्रा, बताओ बच्चों क्या बनेगा? घी। अगला देख लेते हैं क्या है, कौन सा वर्ड है ये? तो है ये झ, और झ में छोटी की मात्रा झी। चलिए अगला देख लेते हैं, ध में छोटी की मात्रा ढी। अगला देखते हैं, ध में छोटी की मात्रा क्या बोलेंगे इसको? धी। अगला क्या है? भ में छोटी की मात्रा क्या बनेगा? भी। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब भी व्यंजन वर्ण में मात्रा छोटी ई की मात्रा जोड़ा जाता है तो उसका जो ध्वनि निकलता है वो ई का निकलता है। जैसे इसको क्या कर सकते हैं? की। इसको क्या करेंगे? ची। इसको क्या करेंगे? टी। ये है ती, ये पी। अगला क्या है? खी। ये क्या है? छी। ये क्या है? ठी। ये क्या है? थी। ये क्या है? फी। अगला क्या है? ये है गी। ये क्या है? जी। ये क्या है? डी। ये क्या है? दी। ये क्या है? बी। अगला देखते हैं, ये क्या है? घी। ये क्या है? झी। ये क्या है? ढी। ये क्या है? धी। ये क्या है? भी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ण के साथ कैसे मात्रा जोड़ा जाता है ये हम लोग सीखे हैं, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है ये आज हम लोग सीखे हैं। ऐसे ही आप लोग छोटी ई की मात्रा वर्ण के साथ लगा करके लिखोगे और उसको पढ़ोगे कि कैसे पढ़ा जाता है, जैसा कि हम मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ करके बताई। थैंक यू।